Hello everyone, I am going to tell about conjunction. This topic is concerned 8th or 9th class. First of all, I would like to tell the definition of conjunction. What is conjunction? A conjunction is a word which joins two or more than two words, phrases, clauses or sentences. कंजक्शन का काम क्या है? कंजक्शन है ही टू वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करती, जोड़ने का काम है कंजक्शन. इंग्लिश की दुनिया में जो कंजक्शन है ये टू वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, टू सेंटेंसेस को, टू फ्रेजेस को और टू क्लाजेस को. तभी हमें अच्छे से कोई भी सेंटेंस हो तो क्लियर होता है. कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, नेहा एंड प्रिया आर प्लेइंग आउटसाइड. इन दिस सेंटेंस नेहा एंड प्रिया, नेहा इज ए वर्ड एंड प्रिया इज ए वर्ड. आपस में नेहा और प्रिया को जो जोड़ने का काम कर रही है हमारी एंड कंजक्शन है, ये दोनों को आपस में जोड़ रही है. यदि हम बीच में से इस एंड कंजक्शन को हटा देते हैं तो नेहा और प्रिया का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. तो इसका यूज है, ये आपस में जोड़ने का काम कर रही टू वर्ड्स को. तो नेहा एंड प्रिया आर प्लेइंग आउटसाइड. इन सेकेंड सेंटेंस, गिव मी टी और कॉफी. इन दिस सेंटेंस टी एंड कॉफी, टी इज मेटीरियल नाउन एंड कॉफी इज ऑल्सो मेटीरियल नाउन. ये दोनों नाउन को आपस में कंबाइन कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है टी और कॉफी. यदि हम इसमें से जो हमारा ज्वाइनिंग वर्ड है वो और है, यदि हम इसमें से और ही कंजक्शन है इसको हटा देते हैं तो आपस में टी और कॉफी का कोई कम्बिनेशन नहीं है. तो ये टी और कॉफी को आपस में कंबाइन करने का काम कर रही है. इन नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर इज पुअर एंड ऑनेस्ट. यहाँ पर हमारी जो कंजक्शन है सभी को दिखाई दे रही है, एंड कंजक्शन है और इसमें टू वर्ड्स हैं पुअर और ऑनेस्ट. पार्ट्स ऑफ स्पीच में पुअर एडजेक्टिव है एंड ऑनेस्ट इज ऑल्सो एडजेक्टिव. दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है. नेक्स्ट में लाउडली और फ्लुएंटली. लाउडली हमारी एडवर्ब है, फ्लुएंटली भी एडवर्ब है. इन दोनों को आपस में जॉइनिंग का काम कर रही है एंड जो हमारी कंजक्शन है, तो टू वर्ड्स को आपस में जोड़ रही है. नेक्स्ट है हमारे टू फ्रेजेस, दो फ्रेज को भी आपस में जोड़ने का काम कंजक्शन करती है. फॉर एग्जाम्पल, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड. इसमें इन वाटर और ऑन लैंड, सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि फ्रेज होती क्या है. फ्रेज ही इट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस देता है, बट फ्रेज डज नॉट गिव अस कंप्लीट सेंस, इट गिव अस सम सेंस. इन वॉटर ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, पानी में सम सेंस दे रहा है, तो ये हमारी फ्रेज है. ऑन लैंड ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, सम सेंस दे रहा है, तो ये भी हमारी फ्रेज है. तो इसमें जो बीच में जो कंजक्शन है वो एंड है और ये आपस में दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रही है. नेक्स्ट है, रेखा इज गुड बट हर अंकल इज बैड. रेखा इज गुड, इट इज ए सेंटेंस. हर अंकल इज बैड, ये भी एक सेंटेंस है. तो दोनों सेंटेंस को आपस में जो जोड़ने का काम कर रही वो हमारी कंजक्शन कौन सी है? बट कंजक्शन है. रेखा इज गुड, हर अंकल इज बैड. दोनों सेंटेंस को आपस में ज्वाइनिंग का काम बट कंजक्शन कर रही है. ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है. नेक्स्ट है टू वर्ड्स को, टू फ्रेज को, टू सेंटेंसेस को. एक है हमारी क्लाज, सब टू क्लाज को आपस में जोड़ती. सबसे पहले ही हमें पता होना चाहिए क्लाज होती क्या है. क्लाज जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो वो हमारी क्लाज होती है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट हो या फिर एक फाइनाइट वर्ब हो, किसी भी सेंटेंस के अंदर ये ही हमारा सब्जेक्ट है और ये बाकी हमारा पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, ही इज द स्टूडेंट हु लिव्स इन पटना. ये हमारी क्लाज है. वूज बिलाउड लिव्स इन रांची. और एंड यहाँ पर क्या है, एक कंजक्शन का काम कर रही है. ये भी हमारी एक पूरी क्लाज है और ये भी एक क्लाज है. तो दोनों क्लाज को आपस में जोड़ने का काम एंड कंजक्शन कर रही है. तो कंजक्शन होती क्या है, टू वर्ड्स को आपस में जोड़ती है, टू फ्रेज को, टू क्लाज को और टू सेंटेंसेस को. इंग्लिश में इसका यूज ही है कंबाइन करना, जोड़ना. अब देखो, आप प्रीपोजिशन में और कंजक्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रीपोजिशन का यूज क्या है. प्रीपोजिशन भी तो आपस में, द बुक इज ऑन द टेबल. अब यहाँ पे आप बताओ ये ऑन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है या कंजक्शन? यहाँ पर बेटा ऑन है, ये प्रीपोजिशन है. ये बुक और टेबल का आपस में रिलेशन बता रही है. देखो कंजक्शन में और प्रीपोजिशन में डिफरेंस समझो. कंजक्शन है वो आपस में जोड़ने का काम करती है और प्रीपोजिशन है वो रिलेशन बताती है. जैसे टाइम, डायरेक्शन और प्लेस. अब यहाँ पर ऑन है, बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है. ये हमें प्लेस के बारे में बताया जा रहा है कि पुस्तक है वो टेबल के ऊपर है.
तो ये आपस में इसको जोड़ने का काम नहीं कर रही, आपस में इसका बुक का और टेबल का रिलेशन बताया जा रहा है। तो प्रीपोजिशन में और कंजक्शन में कंफ्यूज मत होना, कंजक्शन है वो रिलेशन बताती है ना, सॉरी कंजक्शन जोड़ने का काम करती है और जो प्रीपोजिशन है वो आपस में रिलेशन बताती है। ये आपके कुछ कंजक्शंस दिए गए हैं, ये आपको लर्न करने, एंड ये कंजक्शन है, एज वेल एज, अदरवाइज, और एल्स, देयर फोर, सो, हैंस, कंसिक्वेंटली, इधर और, नीदर नोर, बोथ एंड, सो दैट, सो एज एज, वेदर और, एज एज, सो एज सुन एज, बट और, नो सुनर देन। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके टाइप्स ऑफ कंजक्शन पढ़ेंगे, कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं।